हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप ये देख सकते हो, ये मैंने दो तरह की बो बनाई है, तो आज मैं आपको इसी का ट्यूटोरियल बताऊंगी। तो सो गाइस, लेट गेट स्टार्टेड। इसके लिए ये सारे मटेरियल्स चाहिए। एक मैंने ये फैब्रिक ले रखे हैं, दो फैब्रिक ले रखे हैं मैंने, और ये पेस्टिंग ले रखा है मैंने। तो मैं पहले आपको, मैं जो राउंड सा बनाऊँगी उसका मेज़रमेंट आपको समझा देती हूँ। तो इस तरह से हमने एक पेस्टिंग लेना है, इस तरह से आप ले लीजिए चौकोर सा पीस। इसका मेज़रमेंट मैं आपको समझा देती हूँ। तो देखिए, इस तरह से मैंने ये कंपास लिया हुआ है, तो इसका मैं आपको मेज़रमेंट समझा देती हूँ। तो देखिए, इस तरह से हमने 3.5 इंच का, इस तरह से हमने 3.5 इंच का हमने एक इस तरह से राउंड सा हमें इसको सर्कल चाहिए होगा। तो मैंने देखिए इस तरह से रख लिया है, इसको मैं राउंड में ही एक ड्रॉ कर लूँगी। इस तरह से आप कंपास की हेल्प से बहुत इजी से बना सकते हो। देखिए, इस तरह से मैंने ये ड्रॉ कर लिया है। अब ये जो हमने जो ये हमें जो निशान मिला है उसके ऊपर हमें कट कर लेना है। जो एक्स्ट्रा कैनवास है इसे हम निकाल के रिमूव कर देंगे। ये जो है अपने हिसाब से बना सकते हो, छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से इसका मेज़रमेंट रख सकते हो। तो देखिए, इस तरह से ये हमने ये पीस को इस तरह से कट कर लेना है। इसको पूरा राउंड में ही कट करेंगे। तो देखिए, इसको आराम से मैंने ये कट कर लिया। ये फ्यूजन पेपर मेरा पतला वाला है, अगर आप चाहे तो जो हार्ड वाला होता है आप वो भी उसे यूज़ कर सकते हो। तो देखिए, इस तरह से मैंने ये कट कर लिया है। आप देख सकते हो कितना ये, मतलब पूरा हमें राउंड सा एक पीस मिल गया है। ये देखिए, जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए, जो मैंने सीधे साइड पर ये मैं आपको बस ऐसे बता रही हूँ, दिखा रही हूँ। तो देखिए, उल्टा मैंने कर दिया फैब्रिक को, इस तरह से रखना है। ये आप देख सकते हो, ये उल्टे साइड पे मुझे ये पेस्ट करना है। जो आपका पेस्टिंग है उसको उल्टे साइड पे रख के आपको इस पर आयरन कर लेना है। ये दो पीसेस हैं मेरे, आप चाहे तो अलग अलग भी कर सकते हो, या फिर आप दोनों साथ में ही रख के इस तरह से आपको इस पर आयरन कर लेना है। देखिए, सीधे पे सीधा रखा है मैंने, अंदर साइड को जो पीस है वो सीधे पे सीधा है, उल्टे साइड पर मैं ये पेस्टिंग को इस पर पेस्ट करूँगी। तो देखिए, इस पर हम नॉर्मल आयरन से इसको हम इस पे पेस्ट कर लेंगे, तो ये चिपक सा जाएगा। तो बिल्कुल आराम से करना, क्योंकि ये फ्यूजन पेपर थोड़ा पतला सा होता है, तो आपको जो टेम्परेचर ध्यान में रखना है आयरन का। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसको बिल्कुल धीरे धीरे से करके इसको हम मैंने पूरा आयरन कर लिया है। आयरन होने के बाद ये कुछ हमें इस तरह से नज़र आएगा। अब मैं क्या करना है, इसके चारों तरफ पर मैं पहले इसे पिनअप कर देती हूँ, ताकि ये स्टिचिंग के टाइम पे इधर उधर ना खिसके, बिल्कुल बराबर सा रहे। तो आप चाहे तो सुई धागे की हेल्प से भी आप इसे कच्चा कर लीजिए पहले, फिर उसके बाद आप इस पर स्टिचिंग कर सकते हो। देखिए, मैंने ये तो पहले पिनअप कर दिया। पिनअप करने के बाद देखिए, हमें 1/2 इंच के भी से भी कम हमें इसके चारों तरफ पर स्टिच करना है। हमें ये पूरा राउंड हमें स्टिच करना है, कहीं पर हमें कुछ गैपिंग नहीं छोड़नी है। तो देखिए, इस तरह से मैंने ये निशान लगा दिया है। उसके बाद मुझे इस पे चारों तरफ पे पूरी सिलाई कर लेनी है, कहीं पे भी हमें नहीं छोड़ना। तो देखिए, इस तरह से मैंने ये पूरा स्टिच कर लिया। स्टिच होने के बाद ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा। इसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर देंगे। देख लीजिए आप, इस तरह से हमें ये पूरा स्टिच कट कर लेना है। जो पेस्टिंग है वो कटनी नहीं चाहिए, तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। तो पूरा राउंड में ही हमने इसे एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके अलग कर देना है। तो देखिए, मैंने इसे कट कर लिया है। अब मुझे इसमें छोटे छोटे कट देने हैं, क्योंकि ये सर्कल है इसलिए हमें इसमें कट देना ही पड़ेगा, ताकि जब इसे टर्न करेंगे तो ये बिल्कुल फिनिशिंग के साथ टर्न होगा और इसकी शेप भी बहुत ही परफेक्ट आएगी। आपको ध्यान देना है कि थ्रेड जो है वो कटना नहीं चाहिए, तो इस बात का ध्यान देते हुए आपको इसे पूरा इसमें छोटे छोटे कट कर देने हैं। तो पीछे साइड में से टर्न कर लेती हूँ, ये जो हमारा इधर पीछे का भाग था इस पर हमें छोटा सा कट देना है। आप सीजर की हेल्प से हमें छोटा सा कट दे दीजिए, ज़्यादा बड़ा नहीं कर देना है। तो बिल्कुल 1 इंच के लगभग हमने कट देना है। इसके बाद हम फैब्रिक को यहाँ से टर्न करेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने इसे टर्न कर लेना है। ये आप बहुत आसानी से इसे टर्न कर सकते हो, आप चाहे तो किसी चीज़ की हेल्प से भी आप इसे सीधा कर सकते हो। तो देखिए, इस तरह से हमने ये सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद इस पर आप आयरन कर लोगे तो ये इसका लुक बहुत अच्छा आएगा। तो देखिए, इस तरह से मैंने सीधा कर लिया, इस पर मैं आयरन कर देती हूँ, ताकि ये अच्छे से फिक्स हो जाए और इसका लुक भी बहुत अच्छा सा आए। तो इसलिए हम इस पर हम आयरन कर लेंगे। तो देखिए, मैंने ये आयरन कर लिया है। आयरन होने के बाद ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा।
इसके मिड में हमें एक निशान लगा देना है ताकि हमें समझ में आए। तो देखिए इस तरह से आप इसे छोटा छोटा इस तरह से इसमें गैदरिंग कर लीजिए, या तो आप इस तरह से करने के बाद इसको रैप कर सकते हैं थ्रेड से। मैं इसे नीडल और थ्रेड की हेल्प से इसमें मैं छोटे छोटे टाँके दूंगी तो इसे फिक्स हो जाएगा और ये खुलने का भी इसमें डर नहीं रहता। तो देखिए इस तरह से मैंने कर दिया। यहाँ पीछे साइड से हम इसमें नॉट लगाएंगे, फिर इसमें हम छोटे छोटे इसी तरह से टाँके, ये पूरा ऊपर साइड तक हमें टाँका लगा देना है। सीधा सीधा ही लगाएंगे हम, बिल्कुल छोटे छोटे टाँके लगाने हैं। तो देखिए इस तरह से हमने ये टाँके लगा लिए ऊपर तक। अब मैं इसे खींच लूँगी थ्रेड को इस तरह से, ये देखिए हम इसे पहले बराबर से कर लेंगे। तो देखिए इसमें छोटे छोटे इसमें गैदरिंग्स पड़ के बिल्कुल ब्यूटीफुल सा लुक आएगा। और हमें थ्रेड से इस तरह से ओवर लैप कर देना है इसे, तो देखिए ये इस तरह से नज़र आएगा। इसे मैं नीडल से भी कर देती हूँ, पीछे साइड फिक्स कर दूँगी ताकि ये थ्रेड वगैरह ना निकले। तो देखिए इधर से हम इसे अच्छे से टाँक लेंगे, फिर इस एक्स्ट्रा थ्रेड को मैं कट कर देती हूँ। तो देखिए कुछ इस तरह से नज़र आएगा। तो देखिए इस तरह से मैंने थ्रेड से वो लैप कर दिया है। इसको मैं फैब्रिक इसके ऊपर रख के कवर करूँगी, जो थ्रेड वगैरह है वो नहीं नज़र आएगा। तो देखिए मैंने छोटी सी स्ट्रिप बना रखी है, इसको हम इस तरह से एक रख के इसको ओवर लैप कर देंगे और इस तरह से नज़र आएगा। ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट करके रिमूव कर देंगे। और इसके बाद हमें ये थोड़ा सा अंदर साइड को टर्न करके इसमें छोटे छोटे टाँके लगा के इसको सिक्योर कर देना है ताकि ये निकले नहीं और इसका लुक भी अच्छा आए। तो इसमें हमें छोटे छोटे टाँके इस तरह से लगा देने हैं, जैसा कि आप ये देख सकते हो। तो मैं ये पूरे पे जो नीचे साइड पे ही है, उधर साइड पे हम पूरा इसे थ्रेड और से इसे नीडल थ्रेड की हेल्प से इसे फिक्स कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें छोटे छोटे टाँके लगा के इसको नॉट लगा देना है इस तरह से पूरा चार इसके पूरे नीचे साइड पे, और एक्स्ट्रा थ्रेड हम यहाँ से कट कर देंगे। तो देखिए इस तरह से ये नज़र आएगा बनने के बाद। अगर आप इसको डेकोरेट करना चाहते हो तो इसके बीच मिड में आप कुछ भी डेकोरेटिव पीस लगा सकते हो। आपको जैसे कुछ भी लगाना हो, जैसे मोती लगानी हो, कुछ भी आपको कुछ भी इस पर लगा सकते हो इसको थोड़ा सा अच्छा सा लुक देने के लिए। मैं दूसरा वाला बता देती हूँ आपको, जो हमने चौकोर पीस ले रखा था इसकी लेंथ मैंने 6 इंचेस रखी है और जो विड्थ रहेगी वो 4 इंचेस रखी है मैंने। ये आप ज़्यादा इसकी लेंथ रखोगे तो अच्छी नहीं लगेगी, तो इसलिए आप नॉर्मल 6 या 7 इंच तक रख सकते हो। तो देखिए मैंने ब्लैक कलर का फैब्रिक ले रखा है, इसको भी मैंने सीधे पे सीधा करके रखा हुआ है। और जो हमारा पेस्टिंग है वो जो चमकीला साइड रहता है वो नीचे साइड पर रहेगा, और इसको हम रख के इसी तरह से आयरन कर लेंगे। बिल्कुल सेम ऐसे ही जैसे हमने वो राउंड सा बनाया था वैसे ही हमने चौकोर वाले पीस को भी बना लेना है। तो देखिए इस तरह से हम इस पर आयरन कर लेंगे। बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर रखना है आपको इसका, क्योंकि ये फ्यूजिंग पेपर जो है वो पतला सा है तो चिपकने का डर रहता है, तो इसलिए हम नॉर्मल इस पर हम कर लेंगे। तो देखिए इसमें मैंने ऐसे पेस्ट कर लिया। इसके बाद हम इस तरह से निशान लगा देती हूँ मैं आपको, ताकि इसे समझ में आए। आपको इतनी ही स्टिचिंग इसमें लगानी है, ज़्यादा नहीं लगानी। तो मैं आपको ये पूरा स्टिच करके दिखा देती हूँ, इसमें भी हमें छोड़ना नहीं है कहीं पे भी। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे स्टिच कर लिया, पूरा स्टिच करा है मैंने। फिर एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसे हम ट्रिम करके अलग कर देंगे। इसमें देखिए मैंने ये पूरा ही स्टिच करा है, कहीं पे भी हमें गैप नहीं छोड़ा हुआ है। तो ऐसे ही आपको भी करना है। तो देखिए इस तरह से मैंने ये एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दिया है। इसके कॉर्नर्स पर मैं छोटे छोटे कट लगा दूँगी। देखिए मैंने कट लगा दिया। कट लगाने के बाद इसे हम पीछे साइड को टर्न कर लेंगे और इसमें हमें छोटा सा कट लगाना है। देखिए इस तरह से हमने कट लगा लेना है। कट लगाने के बाद यहाँ से हम फैब्रिक को सीधी साइड पे टर्न करेंगे, जैसा कि आप ये देख सकते हो। ये बिल्कुल आसानी से हो जाता है, आप इसे आराम से कर सकते हैं। ज़्यादा बड़ा आपको कट नहीं लगाना, फिर वो नहीं अच्छा दिखेगा, तो इसलिए हम छोटा सा ही कट लगाते हैं। आप चाहे तो विदाउट पेस्टिंग से भी बना सकते हैं आप इस बो को, लेकिन पेस्टिंग से थोड़ा सा ये हार्ड सा हो जाता है तो अच्छा लुक आता है इसका। आप चाहे तो डिफरेंट फैब्रिक से भी बना सकते हो, जैसे मैंने ये सेम फैब्रिक ले रखा है, आप डिफरेंट कलर के एक दो पीस करके अलग अलग पीस भी ले सकते हो। इससे भी आप बो बनाओगे तो दो कलर में बन के आएगी आपकी बो। इसके कॉर्नर्स को मैं थोड़ा सा ठीक कर लेती हूँ। देखिए इस तरह से हमने कर लेना है इसके कॉर्नर्स को ठीक। आप किसी भी चीज़ से आप इसे स्टिक कर सकते हो। इसके बाद देखिए कुछ इस तरह से नज़र आएगा। इस पर मैं आयरन कर लेती हूँ ताकि इसका अच्छा सा लुक आएगा। तो देखिए नॉर्मल टेम्परेचर पे हमें इसे आयरन कर लेना है। पीछे साइड से भी मैं इस पर आयरन कर देती हूँ।
देखिए मैंने छोटा सा ही कट लगाया था तो ये ज़्यादा नज़र नहीं आएगा। इसके बाद हमने इसे टर्न कर लेना है। टर्न करने के बाद आप ये देख सकते हो इसमें हमें छोटे छोटे टांके लगाने हैं। आप चाहे तो मशीन की हेल्प से भी कर सकते हो, लेकिन अब मैं नीडल और थ्रेड की हेल्प से ही इसमें छोटे छोटे टांके लगाऊंगी। पीछे साइड पे हमें नॉट लगाना है और इसमें हमें छोटे छोटे टांके इसके मिड में करते हुए छोटे छोटे इसमें टांके हमने लगा लेने हैं, जैसा कि आप ये देख सकते हो। देखिए इस तरह से ये नज़र आएगा। तो मैं थ्रेड को खींच लेती हूँ और इसको बराबर से रख के इसको हम ओवरलैप कर लेंगे। बिल्कुल मिड का ध्यान देना है आपको, ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए फैब्रिक। तो देखिए इस तरह से मैंने कर दिया है। यहाँ पे भी मैं पीछे साइड पे इसे नॉट लगा के फिक्स कर देती हूँ। इसको मैं ओवरलैप करने के लिए मैंने ये फैब्रिक ले रखा है, पतला सा 1 इंच के लगभग मैंने फैब्रिक लिया था और इसको बीच में से टर्न करके सीधा कर लिया था। फिर उसके बाद हमने ये इस तरह से इस पर लगानी है। तो इसको देखिए, इसको बराबर से मैंने पीछे साइड पर कर लिया है। इसको मैं थोड़ा सा अंदर साइड को टर्न कर लूँगी और इसमें हमें चारों तरफ पे इसके जहाँ तक ये खुला हुआ है वहाँ तक हमें इसमें छोटे छोटे टांके लगा देने हैं। तो ये आप आसानी से इसमें टांके लगा के इसे बना सकते हो। बहुत ही इजी तरीका है ये वो बनाने का। तो आप भी इस मेथड को ज़रूर बनाइए, इस ट्राई करिएगा। इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट शेड के छोटे बड़े वो बना सकते हो। इन बोज का यूज़ आप जैसे किसी फ्रॉक वगैरह में डेकोरेट करने के लिए, ब्लाउज़ के में, आप किसी भी चीज़ों में आप इस तरह की बो का यूज़ कर सकते हो। ये नॉर्मली स्कूल में भी बच्चे लोग को लगती है, तो आप इस तरह से बना के आप घर पे ही बना के आराम से बना सकते हो। तो देखिए इस तरह से मैंने ये बो बना के रेडी कर ली है। आप इसको डेकोरेट करने के लिए आप इसमें भी कुछ भी लगा सकते हो अगर आपको डेकोरेट करना होगा तो। देखिए तो होप यू लाइक इट। अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।